हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कर रहे हैं नया टॉपिक। तो उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग अभी उसकी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो फिर स्टेप बाय स्टेप देखो। तो बाय द वे, मैंने यहाँ HB पेंसिल यूज़ किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नो अभी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वैसे आप ड्रॉ करो। ओके, तो ड्रॉ करने का इजी वे है, ऐसे पहले लाइन बनाओ और स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, और उसके बाद दोनों लाइन को जॉइन कर दो और एक ट्रायंगल बनाओ। ओके, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ से लेकर आप देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, और आप बिल्कुल वैसा ड्रॉ करो। ओके, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन को भी एक्सटेंड करना है, जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको एक्सटेंड करना है। ओके, उसके बाद ये जो अभी स्ट्रेट लाइन आपने एक्सटेंड की, उसको स्लैंटिंग पोजीशन में फिर से एक्सटेंड करो। ओके, ध्यान रहे कि आप उसको स्ट्रेटली एक्सटेंड करो। अगर आपके पास एक रूलर है तो ये ड्राइंग करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, यहाँ मैंने बिना रूलर के ये करने की कोशिश की है। ओके, अभी इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर दो। ओके, अभी ध्यान रहे कि सब लाइंस एक जैसे हो। मेरा मतलब है बोलने का कि जो स्पेस है दोनों लाइंस के अंदर, वो सब सेम होना चाहिए। ओके, ओके, तो फिर अभी यहाँ से एक और एक लाइन ड्रॉ कर दो, और उसके बाद हम लोग का एक्चुअली वो इल्यूजन ट्रायंगल कंप्लीट होने ही वाला है, सिर्फ थोड़ा सा देर बचा है। तो अभी यहाँ से एक और लाइन बना दो स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट लाइन, और उसको वो नीचे के लाइन से जॉइन कर दो। ओके, ध्यान रहे सब दोनों लाइंस के अंदर जो भी स्पेस है वो सब सेम होना चाहिए। ओके, एक दूसरे से। ओके, और अभी सिर्फ आपको यहाँ से वहाँ तक स्लैंटिंग लाइन से जॉइन कर देना है। ओके, ओके, तो फिर हम लोग का अभी ट्रायंगल उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग का वो ट्रायंगल ख़त्म हो चुका है। तो अभी सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है, वो है शेडिंग। यस, अगर आपको शेडिंग करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। ओके, तो अगर शेडिंग करनी है तो आपको एक डार्क पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर यहाँ मैंने डार्क पेंसिल यूज़ की है, जैसे HB होती है वैसे डार्क पेंसिल भी होती है। ओके, तो उससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सिंपल पेंसिल से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ओके, अभी ये दोनों जो पार्ट है ना, इसको हम लोग लाइट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग वो जो बाकी के दो पार्ट्स है उसको वही रहेंगे। तो यहाँ आप सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अपनी जो सादी वाली रहती है ना, वो वाली। ओके, और इस पार्ट को भी पूरा फिल कर दो। तो यहाँ हम लोग का पूरा ऑप्टिकल इल्यूजन वाला ट्रायंगल पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि
हर एक दिन में जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।